हेलो दोस्तों, जय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बारे में। पेट्रोल डीजल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और इन दिनों इनकी कीमत में बहुत इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी सबसे उच्चतम स्तर पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर सीधा हमारे सोसाइटी में पड़ता है और चीज़ें महंगी हो जाती है। मतलब यह है कि यह हमारे देश की इकोनॉमी पर प्रभाव डालता है। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोल की कीमतें कैसे तय होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की अभी क्या कीमत है। और हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत इतनी सस्ती होने के बावजूद हमारे देश में तेल इतनी महंगी क्यों है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें कैसे तय होती है, तो आइए इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो भारत सरकार है वो क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ख़रीदता है। और मैंने जो कैलकुलेट किया है तो अभी के हिसाब से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल 20.19 पर लीटर के हिसाब से हमारा देश क्रूड ऑयल ख़रीदता है। और क्रूड ऑयल ख़रीदने के बाद उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है और रिफाइनरी प्रोसेस में जो खर्चा होता है वो पर लीटर का है 6.03। और क्रूड ऑयल को रिफाइनरी कंपनी में पहुंचाने तक जो भाड़ा लगता है, जो ट्रांसपोर्टेशन किराया लगता है वो है 3.31 पर लीटर। और क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद जो खर्च होता है, मतलब फ्यूल कॉस्ट आफ्टर रिफाइनिंग, वो है 29.53 पर लीटर। अब इसमें सरकार क्या है, अपना एक्साइज ड्यूटी लगाती है और वो है 21.48 पर लीटर। उसके बाद यह तेल प्रत्येक राज्य में जाता है और वहाँ पर राज्य अपने अनुसार स्टेट वैट लगाते हैं और वहाँ के डीलर अपना कमीशन लगाते हैं। और इन सभी को जोड़ के वहाँ पे पेट्रोल कीमतें तय होती है। इसलिए हर एक स्टेट में अलग अलग पेट्रोल की कीमतें होती है। तो हम लोग बात करते हैं झारखंड की, यहाँ पे स्टेट वाइड कितना लगता है। तो यहाँ पे स्टेट वाइड लगता है 50% लगता है। और उसमें झारखंड सरकार ने निर्णय किया है कि वो 5 रुपया पर लीटर रिड्यूस करेगी, कम करेगी। तो आप इनको जोड़ दीजिए, फ्यूल कॉस्ट आफ्टर रिफाइनिंग और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, इनको हम जोड़ते हैं तो आता है 51.01। अब हमारा झारखंड राज्य इसका 50% वैट लगाती है और उसमें 5 रुपया रिड्यूस करती है। तो 50% हो जाएगा 51.01 का 25.5 और इसमें 5 रिड्यूस हुआ तो हो गया 20.5। अब हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, फ्यूल कॉस्ट आफ्टर रिफाइनिंग, द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, फिर झारखंड का स्टेट वैट 20.5 और डीलर कमीशन 3.0। अब इतना को हम लोग जोड़ते हैं तो झारखंड का जो पेट्रोल का रेट होता है वो 74.5 के लगभग आता है। ठीक, और क्रूड ऑयल की कीमत मैंने कैलकुलेट किया है 20.19 पर लीटर। और भारत इसे बैरल के हिसाब से खरीदता है तो 1 बैरल में होता है 159 लीटर।
अगर हम इसको 20.19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 3210.21 रुपीस, मतलब 48.28 डॉलर। मतलब इंडिया 48.28 डॉलर के हिसाब से पर बैलर पेट्रोल खरीदता है और उनकी कीमतें रिफाइनिंग के बाद, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद, फिर स्टेट उसमें अपना वैट लगाती है, डीलर कमीशन, इन सभी प्रोसेस के बाद इनको ऐड किया जाता है और राज्य में पेट्रोल की कीमतें तय होती है। तो हम लोग बात करते हैं अभी जो करंट में पेट्रोल कीमतें क्या चल रही है। दिल्ली में चल रही पेट्रोल कीमतें 74.63 और डीजल कीमतें चल रही है 65.93। वहीं मुंबई में है 82.42 और डीजल है 70.2। कोलकाता में है 77.43 और डीजल है 68.63 और रांची में है 74.99 और डीजल है 69.63। यदि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसे देख लीजिएगा और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो कैलकुलेशन एकदम सही आएगा। मैंने अच्छी तरह कैलकुलेट किया है और आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। तो इस प्रकार कीमतें भारत में तय की जाती है पेट्रोल की। क्या वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद भारत में तेल की कीमत शिखर पर है? इस पर क्वेश्चन पूछने पर सरकार ने यह दलीलें दी हैं। पहली दलील है, अगर तेल की कीमत में कमी की जाती है तो लोगों का वाहनों के प्रति रुझान बढ़ेगा, जिससे वाहनों की संख्या में बहुत वृद्धि होगी, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। और दूसरी दलील है, अगर अभी तेल की कीमतें गिरा दी जाती है तो बाद में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने पर तेल की कीमत में वृद्धि होगी, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ेगा। और तीसरी दलीलें भारत के ऑयल मिनिस्टर ने दी थी, ट्वीट कर दिया था कि यदि आप पेट्रोल खरीदते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि भारत सरकार अपने खजाने को पेट्रोल के थ्रू भर रही है और जितने भी को नुकसान हुआ है नोटबंदी में, बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी स्कीम में, उनका भरपाई भारत सरकार पेट्रोल के माध्यम से कर रही है।